हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम एफएम रिसीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो एफएम रिसीवर क्या है? ट्रांसमीटर के द्वारा जब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, तो एफएम रिसीवर के द्वारा इन्हें रिसीव किया जाता है। मीन्स एफएम रिसीवर इज यूज फॉर रिसीविंग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। एफएम रिसीवर में जो रिसीविंग एंटीनाज लगे होते हैं वो इन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। इन एफएम मेजर सिग्नल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस एंड दीज फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस आर लिटिल अफेक्टेड बाय चैनल नॉइज। देयरफॉर एफएम ट्रांसमिशन इज वेरी मच ऑफ नॉइज फ्री। मीन्स एफएम मीन्स फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कैरियर सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है वो मेजर सिग्नल एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी करती है। मीन्स एम्पलीट्यूड और फेज इस केस में कांस्टेंट रहता है, और जो चैनल नॉइस है वो फ्रिक्वेंसी की बजाय, फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस की बजाय एम्पलीट्यूड को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और चूंकि एफएम के केस में जो मैसेज सिग्नल है वो फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस की फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए जो एफएम ट्रांसमिशन है वो कंपैरेटिवली एएम ट्रांसमिशन की ज़्यादा नॉइस फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। एफएम के लिए जो कैरियर फ्रिक्वेंसी स्टैंडर्ड दिए गए वो है 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, जैसे एफएम स्टेशन हैं 92.7 ETC, और जो बैंडविड्थ स्टैंडर्ड दिया गया वो है 200 किलोहर्ट्ज़। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एफएम के केस में होती है 10.7 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट, यहाँ पे एफएम रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। एफएम रिसीवर के रूप में हम सुपर हिटरोडाइन रिसीवर को यूज करते हैं, जो कि सुपर हिटरोडाइन रिसीवर की सेलेक्टिविटी सुपीरियर होती है। यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो इनकमिंग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो सबसे पहले रिसीविंग एंटीनास के द्वारा रिसीव किया जाता है। इसके बाद इसे आरएफ ट्यून्ड एम्पलीफायर, जो कि रिसीवर की फर्स्ट स्टेज है, इसमें फेड किया जाता है। तो ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यून्ड एम्पलीफायर है, इनका मेन पर्पज़ क्या होता है, ये जो इनकमिंग सिग्नल है इसका प्रॉपर सेलेक्शन और रिजेक्शन करना। आरएफ ट्यून्ड एम्पलीफायर में आरएफ ट्यूनर मीन्स पैरेलल एलसी सर्किट होता है, जो कि एक पर्टिकुलर चैनल को सेलेक्ट करता है, और ये जो सेलेक्टेड चैनल या सिग्नल है इसके लेवल को इंक्रीज करता है मिक्सर में इसे देने से पहले। मीन्स इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये स्टेज जो है आरएफ ट्यून्ड एम्पलीफायर स्टेज, ये सिग्नल की सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, और ये जो इसके द्वारा जो चैनल या फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट की जाएगी उस फ्रिक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी तक ट्यून करने के लिए आरएफ ट्यून्ड एम्पलीफायर मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर के साथ गैंग्ड होता है। मींस इसके द्वारा जो सेलेक्टेड फ्रिक्वेंसी है वो मिक्सर की हेल्प से इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में चेंज की जाएगी या ट्रांसलेट की जाएगी। तो यहाँ से जो सिग्नल फ्रिक्वेंसी इसके आउटपुट में मिलेगी वो उसके बाद दी जाती है मिक्सर में। मिक्सर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन का काम करता है, या हम कहें कि हिटरोडाइन प्रोसेस करता है। मींस ये जो इनकमिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी है उसे इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में चेंज कर देता है लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी की हेल्प से। तो लोकल ऑसिलेटर, यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर के साथ जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी मिक्सर, उससे जो इनकमिंग ये सिग्नल फ्रिक्वेंसी है उसके साथ परफॉर्म करेगा। और ये कौन सा, ये किस टाइप से परफॉर्म करता है, ये डाउन कन्वर्शन परफॉर्म करता है इन दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच। मींस जो लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है वो इस टाइप से सेलेक्ट की जाती है कि वो हमेशा इस सिग्नल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो। मीन्स एफएल हम अगर कहें, यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी अगर एफएल है, मीन्स यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं एक बार एफएल, और यहाँ से जो सेलेक्टेड फ्रिक्वेंसी है वो है एफएस। तो मिक्सर इन दोनों के बीच डाउन कन्वर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और उसके द्वारा जो ये जो ऑपरेशन डाउन कन्वर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद यहाँ पे इसके आउटपुट में हमें मिलेगी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। मींस एफएल और लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी इस टाइप से सेलेक्ट की जाती है कि वो सिग्नल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो। FL minus FS equals to
इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। और एफएम के केस में इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी कितनी है? 10.7 मेगा हर्ट्ज। तो मिक्सर के आउटपुट में जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 10.7 मेगा हर्ट्ज, जो कि क्या है? इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। और यहाँ पे हमने कहा कि ये जो लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है ये हमेशा इस टाइप से चूज की जाती है कि ये इस एफएस से ज़्यादा हो। मींस अगर आरएफ ट्यून्ड एम्पलीफायर के द्वारा यहाँ पे सिग्नल फ्रिक्वेंसी अगर 88 मेगा हर्ट सेलेक्ट की गई है तो एफएल यहाँ पे होगा 98.7। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा डाउन कन्वर्शन ऑपरेशन में मिक्सर परफॉर्म करेगा तो उसके बाद आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? FL माइनस FS से 10.7 मेगाहर्ट्ज। मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि FL जो है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन FS। इस टाइप से अब जो ये मिक्सर का आउटपुट है वो जो यहाँ पे मिक्सर के आउटपुट में हमें क्या मिली है? इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। ये उसके बाद जाता है आईएफ ट्यून्ड एम्पलीफायर में। तो आईएफ ट्यून्ड एम्पलीफायर यहाँ पे एक मल्टी स्टेज क्लास ए एम्पलीफायर्स हैं जो कि जो ये जो आईएफ फ्रिक्वेंसी है उसे एम्पलीफाई करते हैं और जो ओवरऑल गेन है सिस्टम का उसे बढ़ाते हैं। मीन्स रिसीवर का ओवरऑल गेन बढ़ाते हैं। इसके बाद जो यहाँ इसके बाद सिग्नल जाएगा एम्पलीट्यूड लिमिटर में। एम्पलीट्यूड लिमिटर यूज किया जाता है एफएम रिसीवर में। एम्पलीट्यूड लिमिटर क्या करता है कि जो चैनल नॉइस की वजह से एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस आ जाते हैं उन्हें एम्पलीट्यूड लिमिटर रिमूव करता है। और इसके लिए ये इस स्टेज में डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो आउटपुट है वो डिस्क्रिमिनेटर के इनपुट में जाता है। मीन्स यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा वो नेक्स्ट जाएगा डिस्क्रिमिनेटर के इनपुट में। डिस्क्रिमिनेटर का यहाँ पे क्या काम है? डिस्क्रिमिनेटर जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसे डिटेक्ट करता है। इसके लिए ये एक सबसे पहले इसमें क्या प्रोसेस होता है कि ये रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर यूज करता है जो कि पहले फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस जो है उन्हें एम्पलीट्यूड वेरिएशंस में चेंज करता है और उसके बाद डिटेक्टर सर्किट को यूज करके जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसे इसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। इसके बाद ये जो यहाँ से हमें जो मैसेज सिग्नल मिलेगा वो जाता है डी इम्फेसिस सर्किट में। या ये डी इम्फेसिस क्या है? मीन्स जो एफएम ऑडियो सिग्नल है उसमें जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं उनका सिग्नल टू नॉइस रेशियो कम होता है। मीन्स उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती है। तो इसे बढ़ाने के लिए मतलब हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स की सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ट्रांसमीटर साइड में मॉड्यूलेटर से पहले इन हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स की आर्टिफिशियल बूस्टिंग की जाती है जिसे हम कहते हैं प्री इम्फेसिस प्रोसेस। तो ये जो प्री इम्फेसिस प्रोसेस ट्रांसमीटर साइड में मॉड्यूलेटर से पहले किया गया है तो रिसीवर साइड में इसे इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस डिस्क्रिमिनेटर के बाद किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? डी इम्फेसिस। मीन्स डी इम्फेसिस सर्किट के द्वारा यहाँ पे डी इम्फेसिस प्रोसेस किया जाता है जो कि प्री इम्फेसिस का रिवर्स प्रोसीजर है। तो डी इम्फेसिस सर्किट के द्वारा क्या किया जाता है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स की आर्टिफिशियल बूस्टिंग की गई थी ट्रांसमीटर साइड में ये उस एक्स्ट्रा बूस्टिंग को रिमूव कर देता है और जिससे कि जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स है सिग्नल की वो डिटेक्ट हो सके। तो यहाँ पे डी इम्फेसिस के सर्किट के आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो अब यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मिलेगा, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, वो ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल मिलेगा, ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। अब ये जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है इसे फिर दिया जाता है एएफ एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में। ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर जो है वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और उसके बाद ये इस सिग्नल को दे देता है पावर एम्पलीफायर में। यहाँ पे ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसे हम डायरेक्ट लाउड स्पीकर में नहीं दे सकते बिकॉज इसके बाद जो आउटपुट मिलता है उसकी अभी पावर जो है वो पावर लेवल उसका लो है। इसके लिए उस पावर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम इसे पावर एम्पलीफायर में देते हैं।
पावर एम्पलीफायर सर्किट में पुश पुल एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं, जो कि इस इनकमिंग सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करते हैं और उसके बाद इस ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को दे देते हैं लाउड स्पीकर के इनपुट में, जो कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ऑडियो वेव फॉर्म्स में चेंज कर देता है, या हम कहें कि साउंड वेव्स में चेंज कर देता है। तो इस टाइप से ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थी एफएम रिसीवर के केस में। और यहाँ पे हम जैसे कि एक दो सर्किट और यूज करते हैं, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट और ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल सर्किट। तो इन्हें क्यों यूज किया जाता है यहाँ पे? ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट इसलिए यूज किया जाता है कि ये जो ओवरऑल इस रिसीवर के ओवरऑल गेन को कंट्रोल करता है। मींस अगर जो इनकमिंग सिग्नल है, इनकमिंग जो रिसीव्ड सिग्नल है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो डिटेक्शन में ओवरलोड डिस्टोर्शन को उसकी वजह से डिटेक्शन में ओवरलोड डिस्टोर्शन अकर होता है, जो कि अनडिजायर्ड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट यूज़ करते हैं। तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट जो है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होता है वो एम्पलीफायर्स के गेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी हेल्प से ये मींस ये ओवरऑल रिसीवर के जो ओवरऑल गेन है उसको कंट्रोल करते हैं। मींस अगर हम कहें कि जो इनकमिंग सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ हाई है, तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट जो है उसके अक्रॉस हाई वोल्टेज जनरेट होगा। तो ये हाई वोल्टेज जो है वो इन जो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज हैं इनको फेड किया जाएगा, मींस इनको दिया जाएगा। और चूंकि इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन की वजह से ये ओवरऑल गेन को कम कर देगा। तो इस टाइप से ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट इस केस में गेन को कंट्रोल कर लेता है। और अगर जो इनकमिंग सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ बहुत वीक है, तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट के अक्रॉस लो वोल्टेज जनरेट होगा। और ये लो वोल्टेज जनरेट है वो इन ये जो स्टेजेस हैं एम्पलीफिकेशन स्टेजेस, इनको दिया जाएगा। और इसकी वजह से जो ओवरऑल गेन है उसे ये बढ़ा देगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो लो वोल्टेज के केस में ये ओवरऑल गेन को बढ़ा देगा। इस टाइप से ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट जो है वो गेन को, रिसीवर के गेन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल सर्किट यूज किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि टेम्परेचर या बायस वोल्टेज में वेरिएशंस की वजह से जो लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है उसमें भी वेरिएशंस आ जाते हैं, जो कि अनवांटेड हैं। तो यहाँ जो डिस्क्रिमिनेटर का आउटपुट हमें मिलता है जो डीसी वोल्टेज, तो जो कि जिसका कि एम्पलीट्यूड और पोलैरिटी जो है वो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस में वेरिएशंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो डीसी वोल्टेज है ये अप्लाई किया जाता है वैरेक्टर डायोड पे। तो वैरेक्टर डायोड जो कि लोकल ऑसिलेटर के अक्रॉस कनेक्टेड होता है, तो ये इस डीसी वोल्टेज की वजह से वैरेक्टर डायोड के जो वेरिएबल कैपेसिटर जिसमें जो कि वैरेक्टर डायोड में होता है, तो इस डीसी वोल्टेज की वजह से कैपेसिटेंस को वेरी किया जाता है वैरेक्टर डायोड के, जो कि जिससे कि लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। तो इस टाइप से ये जो डीसी वोल्टेज है वो लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी की ड्रिफ्टिंग को रोक देता है और इसे कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन रखता है। और इस टाइप से ओवरऑल रिसीवर की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने में ये ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल सर्किट हेल्प करता है। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल देते हैं एफएम रिसीवर में एजीसी और एएफसी। यहाँ पे एएम रिसीवर से ये एफएम रिसीवर कैसे डिफरेंट है? क्योंकि एएम रिसीवर में हम यहाँ पे केवल एक ही ब्लॉक होता है, इन ब्लॉक तीन ब्लॉक की जगह ओनली डिटेक्टर सर्किट, जबकि एफएम रिसीवर जो है उसमें एम्पलीट्यूड लिमिटर, डिस्क्रिमिनेटर और डी एम्फेसिस, ये तीनों यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो इस टाइप से ये एफएम रिसीवर का कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है। नेक्स्ट जो अभी हमने ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थी सबका, हमने अलग अलग जो भी उनका रोल प्ले है एफएम रिसीवर में उसे हमने डिस्कस किया है। तो इन सभी स्टेजेस को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं।
फर्स्ट स्टेज जो थी आरएफ एम्पलीफायर, इट कंसिस्ट ऑफ आरएफ ट्यूनर पैरेलल आरसी सर्किट टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर चैनल एंड आरएफ एम्पलीफायर स्टेज टू रेज द सिग्नल लेवल बिफोर इट इज फेड टू मिक्सर स्टेज. मीन्स आरएफ एम्पलीफायर में आरएफ ट्यूनर सर्किट होता है जो कि पर्टिकुलर चैनल सेलेक्ट करता है और इसे मिक्सर में देने से पहले उस सिग्नल की लेवल को बढ़ा देता है. और ये जो स्टेज है वो बेसिकली जो हमारा इनकमिंग जो भी सिग्नल है उसकी सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी को बढ़ाती है. और जो फ्रिक्वेंसी रेंज है आरएफ एम्पलीफायर की एफएम रिसीवर में वो क्या होती है, 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़. ये जो आरएफ एम्पलीफायर है ये मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर के साथ गैंग्ड होता है. क्यों? क्योंकि ये इसके द्वारा जो फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट की जाएगी उसको आईएफ एम्पलीफायर पे ट्यून किया जा सके. मींस 10.7 मेगाहर्ट्ज़ तक ट्यून किया जा सकता है किया जा सके. इसके लिए ये आरएफ एम्पलीफायर जो है वो मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर के साथ गैंग्ड होता है. नेक्स्ट स्टेज क्या थी? आईएफ एम्पलीफायर मींस आरएफ एम्पलीफायर मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर की हेल्प से जो फ्रिक्वेंसी को 10.7 मेगाहर्ट्ज़ में चेंज किया गया, ट्रांसलेट किया गया, मींस आईएफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पे जो सेट किया गया है उसके बाद जो ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है उसे आईएफ एम्पलीफायर में दिया जाता है. तो ये आईएफ एम्पलीफायर क्या करता है? इट इज़ ए मल्टी स्टेज ट्यून्ड क्लास ए एम्पलीफायर विच एम्पलीफाइज आईएफ सिग्नल्स एंड देयर बाई प्रोवाइड्स हाई सेलेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी. ओवरऑल गेन ऑफ द रिसीवर बैंडविड्थ इक्वल्स टू 200 किलो हर्ट्ज. मीन्स आई एफ एम्पलीफायर जो ये इनकमिंग आई एफ सिग्नल जो इसके इनपुट में आता है उसे एम्पलीफाई करता है और जो ओवरऑल रिसीवर है उसके ओवरऑल गेन को इम्प्रूव करता है और हाई सेलेक्टिविटी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बैंडविड्थ को 200 किलो हर्ट्ज पे स्टैंडर्ड सेट करता है. नेक्स्ट ब्लॉक है एम्पलीट्यूड लिमिटर. एम्पलीट्यूड लिमिटर क्या करता है कि जो चैनल के द्वारा जो नॉइस या और इंटरफ्रेंस जो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उन्हें ये रिमूव करता है और इसके लिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स यूज किए जाते हैं. इस टाइप से ये जैसे कि जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें चैनल की वजह से जो ये नॉइस ऐड हो जाते हैं, मीन्स यहाँ पे दिखाया गया जैसे प्लस नॉइस, तो इस टाइप से इस चैनल नॉइस जो कि एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, तो इस टाइप से जो एम्पलीट्यूड है इसका वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो इसे एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिमिटर यूज किया जाता है. एम्पलीट्यूड लिमिटर क्या करता है, ये जो एम्पलीट्यूड वेरिएशंस हैं इन्हें रिमूव कर देता है और इस टाइप से हमें आउटपुट में ये सिग्नल देता है जो कि इसके इक्विवेलेंट है. इसे फिर एफएम डीमॉड्यूलेटर में देते हैं और ओरिजिनल मैसेज सिग्नल डिटेक्ट हो जाता है यहाँ पे. ये तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड लिमिटर है ये काफ़ी हद तक जो नॉइस है उसे एलिमिनेट कर देता है. नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटर. डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, डिस्क्रिमिनेटर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करने का काम करता है. मींस इसके लिए ये क्या, इसके द्वारा क्या प्रोसेस किया जाता है कि एक रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर पहले इसके द्वारा यूज किया जाता है जो कि जो फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस हैं, चूंकि एफएम सिग्नल में फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस ही होते हैं, उनको पहले इसकी हेल्प से एम्पलीट्यूड वेरिएशंस में चेंज किया जाता है, जिससे कि जैसे कि एफएम को एएम में चेंज कर लिया जाता है. उसके बाद एक डिटेक्टर सर्किट यूज करके जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है जो कि एएम वेवफॉर्म के एनवलप में स्टोर है उसे हम डिटेक्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट डी इम्फेसिस सर्किट. डी इम्फेसिस सर्किट जैसे कि अभी हमने उसमें डिस्कस किया था कि ये जस्ट प्री इम्फेसिस का रिवर्स करता है. और प्री इम्फेसिस प्रोसेस कहाँ किया जाता है, ट्रांसमीटर साइड में मॉड्यूलेटर से पहले, और डी इम्फेसिस का प्रोसेस जो है रिसीवर साइड में डी मॉड्यूलेटर डिस्क्रिमिनेटर के बाद में किया जाता है. तो ये डी इम्फेसिस सर्किट क्या करता है, इट इज़ यूज टू रिमूव और रिड्यूस द एक्स्ट्रा बूस्ट गिवन टू हाई फ्रिक्वेंसी ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इन द प्री इम्फेसिस सर्किट इन द ट्रांसमीटर बिफोर ट्रांसमिशन. इट इज सिंपल लो पास फिल्टर विद अ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ इक्वल्स टू 1/2 πRC. मीन्स जो प्री इम्फेसिस सर्किट में ट्रांसमीटर साइड में जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स की आर्टिफिशियल बूस्टिंग की जाती है ये डी इम्फेसिस सर्किट उसे रिमूव करता है उस एक्स्ट्रा बूस्टिंग को और ओरिजिनल सिग्नल या और इसके जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स हैं वो डिटेक्ट करता है और इसके आउटपुट में हमें फिर मिलता है ओरिजिनल ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल.
ये बेसिकली एक लो पास फिल्टर होता है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दी जाती है एफ इक्वल्स टू 1/2 πRC से। नेक्स्ट जो डी इम्फेसिस सर्किट का जो आउटपुट है उसे दिया जाता है ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में। मीन्स इसके आउटपुट में हमें ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो सिग्नल मिलता है उसे हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में देते हैं, जो कि उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। उसके बाद इसे दिया जाता है पावर एम्पलीफायर में। चूँकि हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि हम इसे डायरेक्टली जो है ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का आउटपुट जो मिलेगा, मीन्स जो स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल मिलेगा, उसे हम डायरेक्टली लाउड स्पीकर में नहीं दे सकते क्योंकि अभी इसकी पावर जो है वो लो है। तो इसकी पावर को इंक्रीज करने के लिए हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को देते हैं पहले पावर एम्पलीफायर में, जो कि पावर बूस्ट करता है इसकी, और इसके लिए पुश पुल एम्पलीफायर इसमें यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद सिग्नल को दिया जाता है लाउड स्पीकर में, जो कि ये जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है इन्हें साउंड वेव्स में चेंज कर देता है। तो इस टाइप से ये कंप्लीट डिस्कशन था FM रिसीवर के बारे में। होप आप सभी को समझ में आया होगा।